तो अब निकलने वाले हैं हम अपनी ट्रिप के लिए, और अपनी धनो तैयार एकदम चलने के लिए रेडी। इसी के साथ हम चलते हैं और आपसे मिलेंगे फिर। बाइक तो दोस्तों अब चल रही है, हम ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे जाएंगे। ओली का प्लान है हमारा, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। एक टीम हमारी निकल चुकी है, बाकी मेंबर शाम को आने वाले हैं। तो अब चल दिया हूँ मैं ऋषिकेश, आज का स्टे हमारा होने वाला है ऋषिकेश। उसके बाद कल को निकलेंगे वहाँ से हम ओली के लिए, और ओली रुकेंगे हम कैंप में। बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली आपको बहुत बड़े बड़े वीडियो देखने को मिले। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे आगे। मैं हूँ अनिकेत पनवार, आप देख रहे हैं द ड्रीम ऑफ बुलेट चैनल। तो आ चुके हैं हम हाईवे पे, नेशनल 34 NH 58, जो भी है नंबर आप देख लेना। हरिद्वार, दिल्ली टू हरिद्वार हाईवे पे हम चढ़ चुके हैं। गूगल ने भी कह दिया हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। इसी के साथ अब चल रहे हैं हम, ये हमारे होने वाली फर्स्ट सोलो राइड ऋषिकेश तक। लंबा पहली बार जाने वाला हूँ, पूरे मज़े आ रहे हैं। ये रास्ता राइट साइड को खतौली निकल जाएगा, लेकिन हम जा रहे हैं सीधा ऋषिकेश पे। ऋषिकेश पे ही रुकना है, देखते हैं आज सिंगल राइड में हम ऋषिकेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कैसा होगा, क्या हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, क्या हमारी धन्नो को स्टॉप लेना पड़ेगा, ये हमें देखना है। इसको देखने के लिए आप बने रहिए। तो ये आज हमारी बाइक की पूरी टेस्टिंग होगी कि पूरे कुत्ते बना के इसको वहाँ तक खींचा जा सकता है, कब तक ये चलेगी, कितना लंबा चल सकती है। ये है अपना मिडवे, मेरठ का सबसे बढ़िया वीकेंड स्पोर्ट्स। बाइकर हो, कपल हो, घर वाले हो, फैमिली वाले हो, सबके लिए वीकेंड पॉइंट बहुत बढ़िया बन चुका है यहाँ पे। आगे आ चुका है हमारा मिडवे, नीचे जा चुका है देवराणा, क्योंकि हम लेट हो गए चलाने में। गोप्रो अभी आपको दिखाएंगे हम सिर्फ मिडवे, आते हुए दिखा देंगे देवराणा भी। देवराणा का स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए वीकेंड पॉइंट पे। तो वो जो दूर से छोटी सी दिखती हुई, वो है आपका मिडवे। नमस्ते मिडवे। ये है मेरठ वालों का, दिल्ली से हरिद्वार जाने वालों का, दिल्ली से देहरादून जाने वालों का, दिल्ली से जो भी हरिद्वार उत्तराखंड हिमाचल की साइड जा रहा है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉपेज यहाँ पे हो सकता है नमस्ते मिडवे या फिर देवराणा। दोनों ही बहुत ही बढ़िया उत्तम प्लेस बनाए गए हैं आपके रुकने के लिए। देखिए देखिए नज़ारे, अरे महंगा बहुत है अंदर ये वाला महंगा, उधर सस्ता वाला बाइकों का, बाइकर्स के लिए सस्ता पीछे है। तो ये थे हमारे वीकेंड पॉइंट्स मेरठ वालों के। अगर कुछ मिलता है कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं हम, अभी आपको मिलने पे दौड़ रहे हैं, लेकिन बता पाएंगे कुछ एग्जैक्टली शो पे दौड़ रहे हैं, शो के बाद हम चल नहीं पाते, हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, क्योंकि हमें वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही है। तो जो भी बुलेट स्टैंडर्ड 350 लेना चाहता हो, तो वाइब्रेशन को अपना यार बना के रखना, नहीं तो तुम पे नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसमें है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और मेरी बुलेट के अंदर नहीं, सभी बुलेट के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि उनके मीटर ऐसी गड़बड़ करते हैं, और जब ये चल जाएगा मतलब ठीक ठाक 25,000, तो इसके मीटर की भी गारंटी नहीं है ये सही रहेगा, ये तब भी ख़राब हो सकता है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, मीटर ख़राब हो गया क्या हो गया, आपको चलाए जाना है, भगाए जाना है, आपकी बाइक आपको मज़े दे ही जाना है। तो बढ़ते रहिए ऋषिकेश की तरफ 97 किलोमीटर रहते हुए, उससे पहले हरिद्वार आपका रह चुका है 70 किलोमीटर। हम चलते हैं अब आगे। बोले यार बाकी में मुझे लगा था कहीं गर्म ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, कि पहली बार मैं इसको लाया हूँ, और वो भी एकदम तकड़ा खींच के लाया हूँ अभी तक, तो यहाँ तक पूरी बढ़िया करके। मुझे नहीं लगता जब से मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ, एवरेज स्पीड अगर आप मेरी निकालो तो 90-95 के ऊपर ही आनी है, क्योंकि 100, 120, 110 ऐसी चल रही है बिना किसी इशू के। अब यहाँ पे ऐसे कभी कभी पीछे थोड़ी हो रही है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ।
तो बिल्कुल मजा आ रहा, कोई ऐसी पावर की मुझे कमी नहीं लगी, कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। और जैसा कि मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों पे जाके आपकी पावर बहुत ज़्यादा कम होगी, तो वो भी आज हम चेक करेंगे, देखेंगे वहाँ पे हमारी फर्स्ट किट में स्टार्ट हो पाती है या नहीं हो पाती। तो इस वीडियो को ज़रूर आपको एंड तक देखना कि आपको पता लग जाएगा कि एक तो आप हमारी बुलेट 350 स्टैंडर्ड कैसी पावर निकाल रही है, लॉन्ग रूट के लिए ले जाने लायक है कि नहीं है, और पहाड़ों पर पहली किट में स्टार्ट होती है या नहीं होती, बात बन जाए। भाई हमारा मेहनत कर रहा है तो जूस पीना चाहिए हमें, जल्दी रहो तो जलजीरा पीना चाहिए। हरिद्वार के दर्शन हमने कर लिए, फर्स्ट टाइम अलोन हरिद्वार के अंदर, बिना किसी टेंशन हम सेफली एकदम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। ओके, हमारी आगे से स्लाइड होंगे। इसी केस के लिए टर्न कर लिया अब हमने, और थोड़ी देर में हम इसी केस भी होंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये मेरी पहली लॉन्ग राइड है सोलो। इतनी दूर तक मैं बाइक से कभी अकेले नहीं आया, हमेशा किसी किसी के साथ ही आया हूँ, किसी ना किसी के। तो ये मेरी पहली सोलो राइड है, तो आपको कैसी लगी मेरी पहली सोलो राइड तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप। और आपने सबसे लंबी पहली राइड कब करी थी, किस चीज़ से करी थी? अगर देखें तो मैंने अपनी सबसे पहली राइड, जय गंगा, जो मेरी सबसे पहली राइड थी वो स्कूटी से 50 किलोमीटर आना जाना, यानी कि टोटल 100 किलोमीटर की करी थी मैंने, और मेरी हालत तो थी ख़राब बहुत ज़्यादा स्कूटी से, और ताबड़ तोड़ गई हमारी स्कूटी, ताबड़ तोड़ वापस आई क्योंकि हमने मार रहे थे ट्यूशन का बंक, जो कि अब पता लग चुका है सबको। तो आप कमेंट करके बताएं आपने सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे पहली करीब लंबी राइड कौन सी चीज़ से करी, कब करी, स्कूल टाइम में करी, स्कूल के बाद करी, तो कौन सी क्लास में करी, तो जरूर कमेंट करके बताएं मुझे, और देख के बताऊंगा आपको अपनी हमारी बुलेट स्टैंडर्ड 350 की पावर कैसी रहेगी पहाड़ों की। ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत सारा ट्रैफिक, चढ़ा दी चढ़ा दी स्टैंडर्ड, ये जाए ये गई। ऋषिकेश, और ऋषिकेश की रास्ते में हम हरिद्वार पार कर चुके हैं, और आजादी मजा। इसको मत देखना तुम बार बार, इस पर जाते जाएगी कोई ना कोई कमेंट करके कहेगा कि फटे हुए ग्लव्स पहने हुए जान बुझ के फाड़ा हुआ है। हाँ तो अभी देखते हैं कहाँ हमको जाना है। आगे में यार सोलो राइड का अपना अलग मज़ा है, गाने सुनते हुए, रास्ते के मज़े लेते हुए, नई नई जगह पे जाते हुए, अलग ही मज़ा है इसका। तो अभी रुक के थोड़ा सा पानी पिया, अब चल दिए हैं वापस अपने सफ़र पे। अभी तक हमने 3 गैप लिए हैं टोटल पानी के लिए, और कवर करा है हमने, कितना गौर कर दिया है यार।
अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर लगभग पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर रह गए हैं, चलिए डेस्टिनेशन पर मिलते हैं। चुके हमने डेस्टिनेशन और स्काई रोड करके ये जगह है हमारी, होटल का नाम फिक्स आपको अभी बता दूंगा मैं। और इसमें हमने लिया रूम बेड अपने 6 बंदों के लिए, और ये रहे हमारे बेड, सभी के लिए बेड है अपना रूम बेड, काफी सही है। खोल खोल के पर्दे दिखा दो सारे। नहीं वाकई में यार बहुत बढ़िया जगह है ये, चेक करो। बूम बूम, तो हमें मिला बहुत ही बढ़िया उसमें। ये प्राइसेस अभी आपको पता नहीं क्योंकि ये दूसरे भाई ने बुक करा है, बाल देखो कैसे हो गए खराब एकदम हेल्प में। तो ये था हमारा बेड, अब मिलते हैं शाम को जब सब आ जाएंगे। तो ऋषिकेश में आ चुके हैं, धूम धड़ाका भीड़ का, अभी थोड़ा घूम रहे हैं अपना आराम से जब तक सब नहीं आते अपना। तो ये ऋषिकेश की एक जगह है, देखो अगर दिख रहे हो तो आपको, राफ्टिंग के मजे लेते हुए। ओए भाई बहुत बढ़िया।